ड्राइंग सर सोमनाथ कलशेट्टी। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? ह्यूमन फिगर्स कैसे किस तरह ड्रॉ करना है, ह्यूमन फिगर्स के फर्स्ट स्टेप्स किस तरह ड्रॉ करते हैं वे हम सीखने वाले हैं। कौन सा भी ह्यूमन फिगर ड्रॉ करने के लिए आसान तरीका है। ह्यूमन फिगर में भी सभी ज्योमेट्रिकल शेप्स छुपे हुए से रहते हैं। कौन से ज्योमेट्रिकल शेप्स है वे हमें ढूंढने को और निकालने को आना चाहिए। टेक वन ओवल शेप, देन नेक, देन टेक वन रेक्टेंगल। यहां एक रेक्टेंगल निकालो लाइक अ लुंगी, ओके नो प्रॉब्लम। उसके बाद बीचों बीच एक्सटेंडिंग लाइन। स्केल का इस्तेमाल करना ही नहीं है, भले ही टेढ़ा मेढ़ा आने दो नो प्रॉब्लम, लेकिन स्केल का इस्तेमाल करना ही नहीं है। दो हाथ के लिए दो लाइंस और एक एक लाइन। ओवल शेप थंब, सेमी सर्कल सेमी सर्कल, ओके। इस तरह बॉय या फिर मैन बन गया। इसको और डेकोरेट भी हम कर सकते हैं, बाल आईज वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ये प्राइमरी स्केच है, प्राइमरी क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर है, ओके। गर्ल का किस तरह आएगा, टेक वन ओवल शेप, नेक लाइक दिस, यहां पर थिक यहां पर थिन, ओके। यह आ गया गर्ल का स्ट्रक्चर। सॉरी, दोनों पैर क्या आने चाहिए, सेम थिकनेस और सेम हाइट के दोनों पैर आने चाहिए। हाथ कहां थिक है कहां थिन है देख लो आप, गर्ल, ओके। और वुमेन बनाना है, वुमन बनाना है, टेक वन ओवल शेप, बॉय और गर्ल से भी थोड़ा सा हाइट ज्यादा लेंगे। वुमन बनाना है इन गाउन, आसान है देख लो, बन गए ना लाइक दिस। खाली ड्रॉ करते जाओ, खाली ड्रॉ करते जाओ, पहले ही टेढ़ा मेढ़ा आने दो। ड्रॉ करना छोड़ना नहीं है, हर संडे एक तो ड्राइंग बनाना ही है, एक तो ड्राइंग स्केच पेंसिल स्केच। कलरिंग कम किया तो चलेगा, कलरिंग कम किया तो चलेगा, लेकिन पेंसिल स्केचेस ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। भले ही टेढ़ा मेढ़ा आने दो, ड्रॉ करते जाओ, ड्रॉ करते जाओ, और थोड़े दिनों बाद आपको ही नहीं पता चले जाए, आपको ही नहीं पता चल जाएगा कि मैंने ही इतने अच्छे अच्छे ड्राइंग किए हैं। खुद ब खुद वह हैंड आपका इम्प्रूव हो जाएगा। समझ में आ गया, हो गया, आसान है कि नहीं।